छो फ्रेंड्स, मजा मा। तो मैं हूँ आपके साथ सोनम अवस्थी। सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है हमारे गिव अवे पे, जिसमें आपके पास चांस है जीतने का आईफोन 11 और 12। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइजेज हैं। तो आपको करना बस ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गुजरात का अपना कोई भी एक अनुभव, कोई भी अपनी एक कहानी हमसे शेयर करें, क्योंकि 10 दिन में हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर आपके साथ रीच करना है। 1,00,000 सब्सक्राइबर होते ही हम करेंगे अनाउंस नाम उस लकी विनर का, जिसके स्टोरी, कोट, स्लोगन हमें रुझाएगा। तो बिल्कुल भी लेट ना करें, इस वीडियो को फैला दें, टैग करें दोस्तों को, वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस पे, क्योंकि शायद आप ही हो वो लकी विनर। सो वेलकम टू आवर फैमिली GFE, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेनर्स एंड एमटेक एक्सपर्ट्स, जहां हम आपके सपनों को साकार कर आपके बिजनेस को पहुंचाते हैं वैश्विक स्तर तक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी एप्लीकेशन GFE बिजनेस को इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि आपके सवालों का सही जवाब सिर्फ हमारे पास है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि आखिर गुजरात क्यों इतना फेमस है अपने व्यापार के लिए, और वहां की खूबसूरती की भी झलक जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को बड़ा करें, खुद भी जुड़े और लोगों को भी जोड़े। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ गुजरात। द गुजरात वॉज नोन एज एनर्चेंट लैंड इन वेस्ट इन द पीरियड ऑफ महाभारत बिफोर 6th सेंचुरी। दिस रीजन वॉज नोन एज सूरत, सौराष्ट्र एंड काठियावाड़। Later on, it was known as Gujjar Pradesh, land of Gujjars. From the word Gujjar, Gujaratra, the name Gujarat has come from. तो दोस्तों, ये तो रही गुजरात के नाम के पीछे की हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे गुजरात के व्यापार की, जहां आप शंका तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बात पर, क्योंकि यहाँ कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को एक नई पहचान दी और बुलंदियों पर पहुंचाया। गुजरात वैसे तो मात्र 5% पॉपुलेशन हमारे देश की है, पर हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत का 1/4 एक्सपोर्ट यहाँ से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, डायमंड पॉलिशिंग की यदि बात करें तो आज की तारीख में पूरी दुनिया सूरत को ही याद करती है। गुजरात आज इंडिया के सबसे पावरफुल स्टेट्स में माना जाता है, जिसकी बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी के साथ साथ एक पावर सरप्लस स्टेट भी है। तो यहाँ आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो गुजरात प्रोड्यूस करता है। रिफाइंड पेट्रोलियम, जो भारत का 1/3 गुजरात में ही बनता है। 1/4 मेडिसिन प्रोडक्ट्स गुजरात में ही प्रोड्यूस होती है, जिससे इसे केमिकल हब भी माना जाता है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर बताते हैं मेजर कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको, क्यूमिन, सीशम। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय गुजरात: राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, तूर एंड ग्राम। अब यहां पर आपको बताते हैं कि गुजरात के हाईएस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं: ज्वेलरी, जेम्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हम आखिर ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूमिन सीड्स, शीशम सीड्स, कैस्टर सीड्स, ग्राउंड नट्स, मैंगो, कॉटन
और भी बहुत सारी चीजें। दोस्तों, गुजरात की एक बहुत ही खास बात है कि इसे वेलकम स्टेट भी माना जाता है। एक बहुत ही मशहूर किस्सा, जब टाटा को गुजरात ने जगह दी, आज की तारीख में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी की फैक्ट्री भी बनने जा रही है। साथ ही साथ विरासत में मिली सी कोस्ट लाइन, जो कि गुजरात का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत बढ़ाती है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ये पैतरा अपनाकर गुजराती ज्यादातर सक्सेसफुल ही होते हैं। वैसे गुजरात टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा योगदान रखता है सक्सेसफुल स्टेट बनाने में। घूमने फिरने के बाद अब बात आती है पेट पूजा की। गुजरात आए और वहाँ के लजीज पकवान न खाएं, तब तो गुजरात के साथ भी नाइंसाफी ही होगी। तो चलिए, क्या क्या है वहाँ के फेमस पकवान, ये भी हम आपको बताते हैं। खमन ढोकला। ढोकला इज द फ्लैट बेयरिंग डिश ऑफ गुजराती फूड एंड इनफैक्ट अ पॉपुलर स्नैक ऑल ओवर द कंट्री। खाखरा, थेपला, फाफड़ा जलेबी, खांडवी, गाठिया, गुजराती कढ़ी। तो ये थे गुजरात के बहुत ही लजीज और फेमस पकवान। इसके अलावा भी हम कई सारी गुजरात के बारे में बातें करेंगे, जिसमें गुजरात आकर गुजराती लोगों और वहां के त्योहार कुछ अलग ही खूबसूरत छाप छोड़ जाएंगे आप पर। फेमस फेस्टिवल ऑफ गुजरात, इंटरनेशनल काइट्स फेस्टिवल, रण उत्सव, नवरात्रि, समलाजी फेयर। तो ये गुजरात के व्यापार और खूबसूरती की एक झलक पर व्यापार की एक बड़ी फेमस लाइन मिस नहीं करी जा सकती। तो वो लाइन है मोटू करू छे। जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ बड़ा करना होगा, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, सभी बैतरे लगन, ईमानदारी और दिमाग गुजरातियों को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इस एपिसोड में भी एक बार फिर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, बहुत सी नई चीज़ें जानने और सीखने को भी मिली होंगी। अगर आप भी अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, यानी हमारी फैमिली GFE, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेनर्स से। वी ऑलवेज वेलकम्स यू, बस बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका नाम है GFA बिजनेस। इसके साथ ही मैं लूंगी आपसे विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करते रहें। नमस्कार।